तो हाय फ्रेंड, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भविष्य में पैन कार्ड आपका खो जाता है या फिर अभी भी खो चुका है आपका पैन कार्ड, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आप पैन कार्ड ले जाना भूल जाते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए अगर आज आपने वीडियो देख लिया तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनकम टैक्स। ठीक, ये हम जैसे ही टाइप करेंगे तो सबसे पहले वाली जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं इस एड को। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक साइड में ऑप्शन मिल जाएगा जो है इंस्टेंट पैन थ्रो आधार। ठीक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर देख पा रहे होंगे चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपसे मांगा जाता है आधार कार्ड नंबर और ये कैप्चर कोड। तो चलिए यहां पर हम आधार कार्ड नंबर और कैप्चर कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड नंबर और कैप्चर कोड सबमिट कर दिया, उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, और ये हमने ओटीपी भी सबमिट कर दिया है। और अब हम इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये जो है पैन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो हम इस डाउनलोड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में जो है डाउनलोड हो जाता है। और हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं अपने पीडीएफ को, जो आपका जो है पीडीएफ होता है या गूगल ड्राइव में आ जाता है, और ये दोनों में जो है कहीं ना कहीं आ जाता है, तो यहाँ पर ये मांगने लगता है फिर पासवर्ड। पासवर्ड इसमें होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपकी पैन कार्ड में हो या फिर आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए मैं यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करते हैं तो ये जो है ओपन की ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ओपन होकर के आ जाता है हमारा पैन कार्ड। देख सकते हैं ये मेरा जो पैन कार्ड है वो ओपन हो गया है, ना ही मैंने हाथ में पैन कार्ड लिया और ये पैन कार्ड आ चुका है। तो भविष्य में आप कभी भी खो जाएं तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड।